सो हेलो गाइस, हाउ आर यू, कैसे आप लोग। तो चलिए आज का न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं और आज हम डिस्कस करेंगे रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स क्या होता है और किस तरीके से किया जाता है, आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे इस चीज़ को। तो देखिए, इससे पहले हमने अब तक ये समझा है कि जितने भी मेटल्स जो कि ऑक्साइड्स के फॉर्म से हमें रिड्यूस करके उनको हम मेटल्स के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, वो सारे के सारे मेटल्स इम्प्योर फॉर्म में होते हैं। ठीक है, तो उन सारे इम्प्योर मेटल्स को प्योर किया जाता है जिससे कि हम उसे अपने डेली पर्पज के लिए यूज कर सके। और जिस मेथड के थ्रू प्योरिफिकेशन किया जाता है उस मेथड को बोलते हैं रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। सो बेसिकली रिफाइनिंग ऑफ मेटल इज अ काइंड ऑफ प्रोसेस ऑफ प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल्स। ठीक है, चलिए इसके बाद इस चीज को समझते हैं। सबसे पहले क्या होता है कि हम इस टॉपिक में जिस प्रोसेस के थ्रू रिफाइनिंग को समझेंगे उस प्रोसेस का नाम है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। सो इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग क्या होता है, रिफाइनिंग का एक ऐसा मेथड जिसमें हम मेटल्स को इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से प्योर करते हैं और उस मेथड को बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। समझ में आ गया, ठीक है। तो इसके बाद क्या होता है कि समझते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग में कौन कौन से मेटल्स हैं जिनको इन मेथड्स के थ्रू प्योरीफाई किया जाता है। तो सबसे पहला मेथड जो है जिसको इस मेथड के थ्रू प्योरीफाई किया जाता है उन मेटल्स का नाम है कॉपर है, आयरन, लेड, टीन, निकल, क्रोमियम, गोल्ड और सिल्वर। ये हमारे कुछ कॉमन ऐसे मेटल्स हैं जिनको हम इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग मेथड्स के थ्रू प्योरीफाई करते हैं और प्योर फॉर्म में ऑब्टेन करते हैं। अब देखिए, इस प्रोसेस में एक कंटेनर होता है और उस कंटेनर में इलेक्ट्रिसिटी पास करी जाती है। ये प्रोसेस को मैं पूरा आपको समझाता हूँ। तो देखिए, सबसे पहले ये जो कंटेनर है, इस कंटेनर में हम दो मेटेलिक रॉड्स लेते हैं। रॉड्स मतलब कि इलेक्ट्रोड्स, दो मेटेलिक इलेक्ट्रोड्स लेते हैं और हम इलेक्ट्रोड उसी मेटल का लेंगे जिस मेटल को हमें प्योरीफाई करना होता है। तो सपोज करिए मैं कॉपर का एग्जांपल लेता हूं, तो रिफाइनिंग ऑफ कॉपर को हम समझते हैं यहां पे कि रिफाइनिंग ऑफ कॉपर कैसे किया जाता है। तो देखिए, एक कंटेनर लेते हैं, उस कंटेनर के अंदर क्या होता है, दो मेटेलिक रॉड्स होते हैं, एक को बोलते हैं कैथोड जो कि नेगेटिवली चार्ज होता है और एक को बोलते हैं एनोड जो कि पॉजिटिवली चार्ज होता है। एनोड और कैथोड दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, दोनों के अलग अलग चार्ज होते हैं। जो कैथोड होता है वो काफी थिन लेयर होती है, थिन इलेक्ट्रोड होता है और ये प्योर मेटल का बना होता है। एनोड जो होता है वो थिक लेयर होती है हमारी और इम्प्योर मेटल का बना होता है, उसी मेटल को जिसको हमें प्योरीफाई करना होता है, मतलब कि जिस मेटल को प्योरीफाई करना होता है उसी का हम एक इलेक्ट्रोड बनाते हैं जिसको बोलते हैं एनोड। ठीक है, चलिए इसके बाद क्या होता है कि सबसे पहला प्रोसेस क्या होता है कि इस कंटेनर के अंदर एक इलेक्ट्रोलाइट लेना बहुत जरूरी होता है जिससे कि ये हम इसको प्योरीफाई कर सके। तो इलेक्ट्रोलाइट भी हम उसी मेटल का लेते हैं जिस मेटल को हमें प्योरीफाई करना है। अगर हमें कॉपर को प्योरीफाई करना है तो हम कॉपर सल्फेट ले लेते हैं, एसिडिक सॉल्यूशन कॉपर का। ठीक है, तो हमने कॉपर सल्फेट इलेक्ट्रोलाइट ले लिया। अब जब कॉपर सल्फेट इलेक्ट्रोलाइट ले लिया और हम जब इस इलेक्ट्रोड को एक पावर सोर्स से कनेक्ट करेंगे और यहां पे हम करेंगे स्विच ऑन, जब हमने स्विच ऑन कर दिया तो स्विच ऑन करते ही इस इलेक्ट्रोलाइट के अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगी और जितने भी हमारे ये इलेक्ट्रोलाइट्स है वो आपस में ब्रेक होना शुरू हो जाएंगे। और किस तरीके से ब्रेक होंगे, देखिए कॉपर सल्फेट है जो कि कॉपर और सल्फेट के आयंस के फॉर्म में ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, तो कॉपर और सल्फेट के आयंस के फॉर्म में ब्रेक होंगे। कॉपर हमारा पॉजिटिवली चार्ज होता है, सल्फेट नेगेटिवली चार्ज होता है, तो जो कॉपर है ये कैथोड की तरफ अट्रैक्ट होगा। क्यों? क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करता है, कैथोड नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड है और कॉपर हमारा पॉजिटिवली चार्ज है, तो ये क्या करेगा, इस कैथोड पर आकर डिपॉजिट हो जाएगा इस सॉल्यूशन के अंदर से। जैसे ही हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे ये यहां पे आके क्या हो जाएगा, इस इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट हो जाएगा और जितना अमाउंट ऑफ कॉपर यहां पे डिपॉजिट होगा उतना ही अमाउंट ऑफ कॉपर एनोड से ब्रेक होकर इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के अंदर आ जाएगा। ठीक है, और ये प्रोसेस तब तक चलेगा जब तक कि सारा का सारा मेटल इस इलेक्ट्रोलाइट से होता हुआ कैथोड पर ना पहुंच जाए।
सो बेसिकली एनोड का सारा इम्प्योर मेटल इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू होता हुआ कैथोड पर डिपॉजिट हो जाएगा, और इस तरीके से इस प्रोसेस को हमने नाम दिया है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। और इस तरीके से इम्प्योर जो हमारा मेटल था कॉपर, वो प्योर फॉर्म में आ जाएगा। और जब ये प्योर फॉर्म में आएगा तो इसके अंदर जो भी इम्प्योरिटीज होंगी, वो इम्प्योरिटीज हमारी सारी की सारी यहाँ बॉटम में कलेक्ट हो जाएंगी, इकट्ठी हो जाएंगी, और इसको हमने एक पर्टिकुलर नाम दे रखा है जिसको बोलते हैं एनोड मड। ठीक है, इतना क्लियर है सबको? अगर इतना क्लियर है तो आप लोग इसे नोट करिए, ठीक है। और इसी मेथड से, इसी प्रोसेस के थ्रू इन सभी मेटल्स को प्योरिफाई किया जाता है, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, जिसको बोलते हैं रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। ठीक है गाइस, आपको समझ में आ गया? सो इस तरीके से इस चैप्टर को, इस टॉपिक को समझ लिया आप लोगों ने, ठीक है। अब जो भी डाउट होगा आप लोग कमेंट करिएगा, उसको हम रिप्लाई करेंगे, ठीक है। और आज के इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं, रिमेनिंग जो टॉपिक होगा हमारा नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू।